ग्वालियर की करेंगे। जिले में दिनदहाड़े बनहेड़े सरपंच की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए चार आरोपियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को शहर के गांधीनगर इलाके में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले आरोपियों के नाम पुलिस ने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। आरोपियों को पकड़ने के लिए जो टीम भेजी गई थी, इन्होंने लगातार वहाँ मेहनत की और आगे जो लोकेशन ली, तो उसके बाद में उनका खाटू श्याम में भी कई 150 जगहों पर इन्होंने चेक किया और फाइनली जयपुर में भी एक जगह जहाँ वो रुके थे वहाँ का भी पता लगाया। वहाँ से जानकारी मिली कि ये इस तरफ वापस आए हैं और कुछ और कांड करना की भी मंशा इनकी रहते हैं। तो इसमें हमको तिगरा के पास में इनकी सूचना मिलने पर चार आरोपी हैं उनको पकड़ने में सफलता मिली है, जो इन्होंने घटना करना स्वीकार किया है। इनमें से दो आरोपी नामजद FIR में मुलजिम है और इन्होंने ये बताया है कि जो पुरानी रंजिश को लेके इन्होंने इस तरह का किया था। और इसमें एक इनका ये भी बताना था कि अभी जो मृतक है ये काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था कि किसी की जमानत ना हो, इससे ये नाराज़ थे और इस मामले में जो आपस में इनके विवाद चले, पुराना एक मर्डर भी चला है उसको लेके इनमें काफ़ी ज़्यादा रंज था और इसी वजह से ही इन्होंने षड्यंत्र करके प्लानिंग करके और ये कांड किया था और इसमें कई दिनों से ये पीछे लगे हुए थे। इनको पकड़ने के बाद में हमको 3 इनसे कट्टे मिले हैं 315 बोर के, करीबन 20 कारतूस मिले हैं। अभी हमने इनको पुलिस रिमांड पे लिया है और इनसे पूछताछ कर रहे हैं। इसमें जो घटना में संलिप्त अन्य लोग हैं उनके बारे में भी साक्ष्य ले रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे और इनसे जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ियाँ हैं और अन्य चीज़ें वही